हेलो दोस्तों, मैं भारती शाकेवार आप सबका स्वागत करती हूँ द इनसाइड हाउस पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आलू के पापड़ की रेसिपी। ये पापड़ सिर्फ मैं दो आलू से बनाऊँगी और ढेर सारे पापड़ बना के दिखाऊँगी आपको, और इसे बनाना भी बहुत आसान है और कितनी जल्दी ये बनकर रेडी होती हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो ये मैंने दो आलू लिए हैं, इनको छील लिया है मैंने अच्छी तरीके से और धो भी लिया है। अब इनके मैं छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी, इनको छोटा छोटा काट लेंगे आलूओं को। पापड़ तो आपने काफ़ी तरीके के खाए होंगे, आलू के, सूजी के, मैदे के, सभी तरीके के, लेकिन ये पापड़ बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही पतले पतले हमारे बनके रेडी होते हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊँगी कि कितना आसान है इन पापड़ों को बनाना। ये मैंने आलू बारीक बारीक काट लिए हैं सारे। अब इनको हम धो लेंगे, कम से कम 2 से 3 बार इनको धोएंगे ताकि इनका स्टार्च निकल जाए, और इनको अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे, रगड़ रगड़ के धोना है आलूओं को। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना और ना भूलना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये देखिए आलूओं को मैंने धो लिया है 2-3 बार। हम इसको मिक्सी जार में डाल देंगे आलूओं को। ये सारा आलू मैंने, जो दो आलू काटे थे वो दोनों के दोनों आलू मैंने इसमें डाल दिए मिक्सी जार में। एक छोटी कटोरी मैंने पानी ले लिया है, इसी कटोरी से हम और पानी ऐड करेंगे। इसी से नाप से हम आज आलू के पापड़ बनाएंगे। तो इसका अब हम एक पेस्ट रेडी कर लेंगे स्मूथ सा। तो ये देखिए मैंने इसका ये पेस्ट रेडी कर लिया है, बिल्कुल बारीक मैंने इसको पीस लिया है आलूओं को, ये देखिए। अब इसे हम छान लेंगे ताकि कोई घुटला होगा इसके अंदर तो वो निकल जाएगा। तो मैंने एक बाउल ले लिया है और उस चलनी ले ली है, चलनी में इसे हम सारे आलू के पेस्ट को छान लेंगे। इन आलू के पापड़ को बनाने के लिए आपको ना तो ज़्यादा ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा मेहनत करने की और ना ही ज़्यादा देर उबालने की, और इनको हम सुखा देंगे तो ये जल्दी से जल्दी सूख भी जाते हैं। इनको आप पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं इन पापड़ों को। तो ये देखिए थोड़ा बहुत घुटला रह गया था तो उसको मैंने दोबारा से पीस लिया है, इसको भी हम छान लेते हैं अच्छी तरीके से। अभी थोड़ा बहुत बचा है इसको हम फेंक देते हैं। तो ये जैसा हमें पेस्ट चाहिए तो वो रेडी हो गया है। अब एक बाउल रख दिया है मैंने गैस पर और इसके अंदर ये जो पेस्ट बनाया है हमने, इसको हम फिर से नाप लेंगे उसी कटोरी से जिससे हमने पानी डाला था। तो ये है हमारा, एक कटोरी हो चुका है, ये दूसरी कटोरी और इसमें थोड़ा सा और बचा है, तो ये हो गया हमारा 2.5 कटोरी के करीब करीब, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम इसी कटोरी से 4 कटोरी पानी डाल देंगे नाप कर। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, अगर आप गलती कर दोगे तो आपके पापड़ बिगड़ सकते हैं। तो इसी कटोरी से ही नाप कर, जिस चीज़ से आप नापोगे उसी से ही नाप कर पानी डालना है हमें। ओके दोस्तों, अभी तक मैंने गैस का फ्लेम ऑफ रखा था तो अब मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। अब इसको हम पकाएंगे और पकाएंगे कितना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे पकने में, ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट बस। इतने में ही हमारा ये आलू का बैटर रेडी हो जाएगा पापड़ बनाने के लिए दोस्तों, और साथ के साथ इसे चलाते भी रहेंगे ताकि ये तले में जमे ना। ये देखिए रंग चेंज हो गया है थोड़ा सा, आलू है तो थोड़ा बहुत तो हल्का सा कालापन आएगा ही, लेकिन इतना नहीं आएगा, फिर भी काफ़ी रंग साफ है। और इसको लगातार चलाते हुए देखिए मुझे हो गए हैं 7-8 मिनट हो चुके हैं, अब ये रेडी है लगभग। इसको चेक कैसे करेंगे तो मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि हमें इसे चेक कैसे करना है। ये चमचा है, चमचे के पीछे हम ये देखिए उंगली लगाकर देखेंगे, एक लाइन खींचेंगे, ये देखिए ये लाइन अगर मिल जाती है तो हमारा ये बैटर रेडी नहीं हुआ है। हिलाने के बावजूद भी ये लाइन मिली नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये बैटर रेडी है पापड़ बनाने के लिए। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। ये पतला है इसलिए नमक थोड़ा ही डालें, देखने में लगता है कि काफ़ी सारा है तो, लेकिन नमक ज़्यादा हो जाएगा इसलिए नमक थोड़ा ही डालें। तो नमक मैंने डाला है इसमें 1/2 चम्मच। ओके दोस्तों, और इसे मिला लेंगे।
अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा पापड़ खाड़, जिससे पापड़ बहुत ही अच्छे बनते हैं। इसे पापड़ खाड़ इसीलिए कहा था क्योंकि ये पापड़ों में या चिप्स में यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा ही यूज़ किया है क्योंकि हम दो आलू से ही बना रहे हैं, लेकिन इसके पापड़ बहुत सारे बन जाएंगे हमारे इन दो आलू के। अब बैटर देख सकते हो कि कितना सारा बैटर हमारा ये रेडी हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग पापड़ कितने सारे बनेंगे हमारे। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से मिला दिया है और पक भी गया है ये अच्छी तरीके से हमारा 7-8 मिनट में। तो मैंने ये पन्नी बिछा ली है, ये देखिए आप धूप में भी इसे डाल सकते हैं और पंखे की हवा में हमारे ये पापड़ सूख जाएंगे आराम से। पन्नी पे इसलिए डालते हैं क्योंकि पन्नी पे डालने से पापड़ आराम से छूट जाता है। तो मैं चमचे से डालती जा रही हूँ, साथ ही साथ मैं एक छोटी चम्मच से इसको फैलाती भी जा रही हूँ पापड़ को, ये देखिए इस तरीके से। आप चाहें तो और भी लंबे और बड़े पापड़ बना सकते हैं इसे, आप जो भी शेप देना चाहते हो पापड़ की वो दे सकते हैं दोस्तों। तो इसी तरीके सारे के सारे मैंने पापड़ इस पर फैला दूंगी मैं और फिर इन्हें सुखा लेंगे। इन्हें सूखने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर सूख जाएंगे आराम से। तो ये देखिए हमारे पापड़ बन के रेडी हो गए हैं, ये दिखाती हूँ मैं आपको कितना पतला हमारा ये पापड़ बन के रेडी हुआ, ये देखिए। बहुत ही अच्छी रेसिपी है दोस्तों, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है, एक दिन के अंदर अंदर ये सारे के सारे पापड़ हमारे सूख गए हैं जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए एकदम कांच की तरह हमारा ये पापड़ बनके रेडी हुआ है, आर पार सब कुछ दिखाई दे रहा है, इतना पतला हमारा ये पापड़ बना है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है ये पापड़। तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और अपनी फैमिलीज़ में। मैंने आपको पापड़ को तल के भी दिखा दिया, देखिए कितने बढ़िया हमारा पापड़ तल के रेडी हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।